अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बैठी हुई थी फारिग, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को प्याज ब्राउन करने का तरीका सिखाया जाए। प्याज ब्राउन करना कोई बड़ी साइंस नहीं है, इजी है बहुत ज़्यादा। मैं बना रही थी आलू गोश्त, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को प्याज ब्राउन करने का तरीका सिखाया जाए। ग्राउंड में आप लोग को हमारे पैरोट की आवाज़ आ रही होगी, जो काए काए मिठू मिठू कहे, सॉरी काए काए तो कौवे बोलते हैं, ये मिठू मिठू बोलता रहता है, चीखता रहता है। खैर इस बात को तो छोड़ रहे हैं, और आपने तो देख लिया कि मैंने फ्लेम कितना खोला हुआ है। अब जो है आपने ऑयल लिया, ऑयल ज़्यादा लेना है ताकि जो है प्याज डीप फ्राई हो जाए। डीप फ्राई करके आप उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट को छिड़कते हैं, जैसे रिश्तेदार आपके जख्मों में नमक छिड़कते हैं, ऐसे आप प्याज में नमक छिड़कते हैं ताकि आपकी प्याज जो है अच्छी सी ब्राउन और क्रिस्पी ब्राउन हो जाए। वैसे ये तो सब मजाक था। खैर अब आप प्याज ब्राउन करते हुए देखते रहें और उसको बार बार जो है हिलाते रहें ताकि ये नीचे लगे ना, जिससे आपकी प्याज जो है बहुत अच्छी क्रिस्पी ब्राउन होगी। वैसे जो है कुछ लोगों के घर में प्याज ब्राउन होके नहीं डाली जाती आलू गोश्त में, पर जो है मेरे अपने घर में भी नहीं डाली जाती थी, पर मेरे ससुराल में डाली जाती है प्याज ब्राउन करके। तो वही तरीका मैंने भी सीख लिया, और इसे वैसे टेस्ट तो अच्छा आता है खाने में। तो प्याज ब्राउन करना वैसे टफ भी है, क्योंकि अगर ज़रा सी ये डार्क हो गई तो पूरा सालन का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इस पर आप ध्यान रखें और इसको कंटिन्यूस जो है आप लोग मूव करते रहें, हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे, और डीप फ्राई करते रहें। डीप फ्राई करेंगे तो इससे ये प्याज बहुत अच्छी हो जाएगी। प्याज ब्राउन करने के बाद आप इसको उसका ऑयल निकाल दें जो ज़्यादा है, और जितना बचे है जितना आपको यूज़ करना है वो आप उसमें रख लें, तो आपका खाना सही पक जाएगा और ऑयल वेस्ट भी नहीं होगा। तो ये प्याज ब्राउन हो रही है मेरी, इसमें थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट आप लोग डाल दिएगा ताकि इससे और अच्छी क्रिस्पी हो जाए। कुछ लोगों प्याज से आते हैं बहुत ज़्यादा आंसू जब इसको हम कटिंग करते हैं प्याज, तो इसका भी एक सॉल्यूशन ये है कि जब भी आप प्याज को पील आउट कर लें तो आप इसको वॉश कर लें, ताकि वॉश करने से इसमें से जो इसकी जो है शार्पनेस है वो ख़त्म हो जाएगी, तेज़ीपना ख़त्म हो जाएगा, तो प्याज सही हो जाएगी। पर बहुत लोग बोलते हैं कि आप उसको गीला करेंगे तो ये ब्राउन सही से नहीं होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ब्राउन हर हाल में हो जाएगी, होना होगा उसका तो, और अगर नहीं होना होगा तो वो वैसे भी नहीं होगी, वैसे भी नहीं होगी। चले मैं प्याज जो है रेडी होके आ चुकी है और मैंने इसको निकाल लिया है। आप प्याज जब भी निकालें तो इसको इस तरह से स्पून की मदद से अलग अलग इसको करते हैं, वरना ये एक के ऊपर चिपकी रहेगी तो ज़्यादा बर्न हो जाएगी, ज़्यादा चल जाएगी, इसलिए आप इसको अलग अलग कर दें। और जब ये अलग अलग हो जाए तो इसमें इम्पॉर्टेंट काम आपको ये करना है कि इसको फ्रिज में रख दें। फ्रिज में रखने से ये क्रिस्पी और कड़क हो जाएगी, ताकि आपको इसको चूरा करने में, क्रश करने में बहुत ईजिली हो सके, ये बहुत आसानी रहेगी। तो आई होप आप लोग को मेरी टिप्स पसंद आई होंगी, है तो ईजी पर है बहुत काम की। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कॉमेंट भी ज़रूर करिएगा। आप लोग के सबके अच्छे अच्छे कॉमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करते रहें और साथ चलते रहें। मेरे चैनल का नेम है अली रियान ब्लॉग्स, कीप वॉचिंग माई चैनल।